माम् च यो व्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते दर्शकों नमस्कार एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में चंद्रमा से बुद्ध शुक्र गुरु शुक्र अब बात चंद्रमा से शनि की है यह कार्यक्रम बेहद समझदारी से देखिएगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि चंद्रमा से शनि का संबंध जब आपकी कुंडली में होता है तो उसके बहुत सारे शाप भी होते हैं ग्रंथ में यह बात लिखी है कि चंद्रमा से जब कभी भी शनि का संबंध बारहवें का हो जाए केंद्र का हो जाए पंचम का हो जाए चतुर्थ का हो जाए अष्टम का हो जाए दसवें का हो जाए तो ये कई बार व्यक्ति के पूर्व जन्म में या वो जब गर्भ में पालित होता है तो उसके पिता के द्वारा उसके माता पे जबरदस्ती किसी भी तरीके के मानसिक या शारीरिक दबाव के कारण उसका जन्म होता है मतलब जैसे अगर चंद्रमा के ठीक पीछे शनि है तो वस्तुतः ये अच्छे होते हैं व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाते थे प्रसिद्ध बना देते हैं और किसी न किसी तरीके से उसके संबंध बड़े ही समाज के उत्कृष्ट लोगों तक होते हैं पर वो अगर लग्न में चंद्रमा बैठे हों चतुर्थ में पंचम में या कई बार तो मतलब जब सात में बैठ जाते हैं किसी भी भाव में ऐसा नहीं है कि किसी भी भाव की बात हो रही है कहीं से भी चंद्रमा से गिनने पर शनि का संबंध अगर ऐसा होता हो तो ऐसा होता है तो तात्पर्य ये है कि जब मन हर्षित हो आप इसको ऐसे समझिएगा चंद्रमा से तीसरे के शनि मतलब जब जिसकी कुंडली की बात हो रही है अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा से तीसरे शनि बैठे हैं इसका अर्थ होगा कि उसके माता और पिता हर्षित होकर के एक दूसरे से संपर्क में आकर के तब विवाह तब जो है वो गर्भाधान का संस्कार हुआ था जब चंद्रमा से दशम में शनि है इसका अर्थ भी यही होता है कि पति पत्नी दोनों हर्षित थे खुश थे पति भी प्रेम में रत था पत्नी भी प्रेम में रत थी तब जाकर के उसकी संतति को ऐसी कुंडली प्राप्त हुई मतलब चंद्रमा से शनि दशम में गए परंतु जब चंद्रमा और शनि एक साथ हो गए चंद्रमा और शनि चतुर्थ में हो गए द्वितीय में हो गए एकादशवे हो गए या नवम में हो गए अष्टम में हो गए तो ये जो स्थिति होती है या बारहवें के शनि साढ़े साथ ही लगा देंगे अब जब व्यक्ति का जन्म चंद्रमा में होगा और चंद्रमा के ठीक पीछे शनि लगेंगे तो क्या होगा जन्म के समय से ही व्यक्ति को साढ़े साथी और वो भी आरंभ की मतलब यहां से शनि का गोचर यहां बीते यहां बीते यहां बीते तब जाकर के साढ़े साथी खत्म हो तो ये जो संबंध होता है वो ये सूचित करता है कि व्यक्ति के माता और पिता का जो संबंध बना था उसमें माता का मन बिल्कुल भी सहवास से सहवास करने का नहीं था या फिर जबरदस्ती संबंध बनाए गए थे तब जाकर के व्यक्ति का जन्म हुआ है पूर्व जन्मों का भी संबंध होता है कई बार उस समय ये ऐसा भी है कि ग्रंथ में यह भी बात है कि माता और पिता कष्टप्रद स्थिति से जीवन जीते हैं लग्न में शनि अगर चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं तो मानसिक कष्ट होता है संताप होता है घर छोड़ने की बारी आ जाती है बेवजह की परेशानी कोई ना कोई बनी ही रहती है नौकरी में भी कई बार दिक्कत होती है दाम्पत्य परेशान होता है हेडक होता है और कई बार व्यक्ति को आरंभ में किसी और से प्रेम करे बाद में चल करके विवाह किसी और से होना पड़े ऐसा भी होता है मन मुताबिक दाम्पत्य न बैठे और कई बार वो बिल बिल आकर के रहता है हर एक काम में उसको मतलब अगर वो जबरदस्ती कभी खुंखार होकर के बोलेगा भी तो वो शेर की तरह नहीं सियार की तरह बोलने वाला होता है या जबरदस्त तरीके से हैरश करके नहीं बोल सकता लोग उससे डरते बड़े कम हैं इसका बड़ा व्यापक प्रभाव होता है मतलब जबरदस्ती या किसी एक के मन के हिसाब से ही संबंध बनता है पति और पत्नी में या तो पति राजी है तो पत्नी नहीं और अगर पत्नी राजी है तो पति नहीं दोनों में से कोई एक या तो बहुत तीव्र है और दूसरा उसे भोग रहा है खाली मतलब अगर पति जबरदस्ती उससे प्रेम कर रहा है अपनी पत्नी से और उस दौरान अगर गर्भ ठहर जाता है तब ही शनि चंद्रमा लग्न में बनते हैं ऐसे शास्त्रकारों का मत है दूसरे नंबर पे जब चंद्रमा से धन भाव में शनि बैठे हो मतलब अगर कहीं भी चंद्रमा बैठे हो और उससे दूसरे भाव में शनि बैठे हो तो यह संबंध भी धन के लिए वाणी के लिए प्रभाव के लिए और कुटुंबजनों के लिए और कई बार आपके धन को रोकने के मामले में और मानसिक व्यथा और चिंता के मामले में कष्टप्रद होता है चंद्रमा और शनि का संबंध जब एकदम बिल्कुल प्रतियोग में हो डरे लड़े हो मतलब दस डिग्री के ये भी हो दस डिग्री के शनि भी हो बीस डिग्री के शनि भी हो बीस डिग्री के चंद्रमा भी हो तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक और भयावह हो जाती है मतलब जब ऐसी स्थिति कुंडली में लागू हो तो हमें शिव जी की शरणागति बच्चे से उसी समय से करवा देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा सूर्य को अर्घ दे आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करे पीपल के वृक्ष में दीपदान करे और कम से कम अगर हो सके तो गंगा जल का सेवन हमेशा ही करता रहे गंगा जी का सेवन करता रहे ब्रह्मपुत्र नदी के जल का सेवन करता रहे गोदावरी जो श्रेष्ठ नदियां हैं उनके नदी के तीर्थों का जल उसके घर में अवश्य होना चाहिए विभिन्न नदी के तीर्थों का जल उसके घर में अवश्य होना चाहिए क्लियर है चंद्रमा से तीसरे घर के शनि अच्छे होते हैं यहां वो भाई बहनों का सुख नहीं देते पर वस्तुता भाई बहन होते हैं पर नहीं होने से ज्यादा बढ़िया है कि हो गए हैं और अगर होकर के भी वो कष्टप्रद है तो वो नहीं होना ही अच्छा है मतलब यहां पे संतुलन बनाने की बारी होती है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से ठीक घर तीन आगे शनि बैठे हैं तो ये आपको पराक्रमी ये आपको हठी ये आपको मेहनती और साथ ही साथ ये थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में समाज में अपना प्रभाव विश्व की तरह फैलाने वाला होता है चंद्रमा से तीसरे घर में शनि व्यक्ति समाज का प्रतिष्ठित होता है सुसंस्कृत होता है समझदार होता है और चैतन्य होता है वो बौद्धी सत्व को समझने वाला होता है को प्राप्त करने वाला होता है और किसी भी तरीके से अपनी गंभीरता के कारण धर्म में रत रहने वाला होता है वही चंद्रमा से अगर चतुर्थ भाव के शनि की बात करते हैं तो यहां भी पति पत्नी में मतभेद माता का दाम्पत्य खराब हो पिता का दाम्पत्य खराब हो घर परिवार में कलह क्लेश देते हैं कष्ट देते हैं वैराग्य का भाव देते हैं मन हमेशा भ्रमित रहे चिंतित रहे व्यथित रहे बॉस के साथ संबंध न बने क्योंकि उनकी दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी तो कर्म क्षेत्र में नौकरी तो दे देते हैं पर किसी ना किसी तरीके से बॉस के साथ आपको काम खूब दिया जाएगा आप काम खूब करेंगे पर पैसे कम दिए जाएंगे आप अपने काम में जितना भी आपको काम दिया जाएगा वो सारा काम आप करेंगे पर फिर भी बॉस आपसे खुश नहीं रहेगा कलिक वगैरह अच्छे तरीके से बात नहीं करते आपके साथ पॉलिटिक्स होता रहता है चंद्रमा में शनि का संबंध माता के दाम्पत्य को बिगाड़ता है कई बार यहां वाला संबंध जो है वो व्यक्ति को दो विवाहों में डाल देता है और जब वही पंच यहां पर चतुर्थ में शनि आते हैं तो वो घर परिवार में कलह का वातावरण बनाने के बाद व्यक्ति को परेशान रखते हैं लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यहां यह हो जाती है कि व्यक्ति को मृत्यु पहले पता चल जाती है कि कहा मैं मरने वाला हूं या मेरी गति होने वाली है ऐसा मतलब यह है कि चंद्रमा जब शनि जब चंद्रमा से चार घर आगे बैठे हो ये किसी भी भाव में मान तो यह लीजिए यहां, यहां बैठे हैं चंद्रमा और शनि यहां बैठे हैं तो भी ये बात लागू होगी यहां बैठे हैं चंद्रमा और शनि यहां बैठे तो भी ये बात लागू होगी मतलब चंद्रमा से शनि अगर चार घर आगे बैठे हो तो ये बात अच्छी उतनी नहीं होती है घर परिवार में कल होता है माता पिता के बीच में मतभेद होता रहे मानसिक शांति रहती है बीमार रहता है व्यक्ति फेफड़ों से संबंधित समस्या रहती है कई बार पेट जनित बीमारियां होती हैं बुढ़ापे में कष्ट होता है निर्वैरी होता है उसको वैराग्य आ जाता है और कई बार जीवन के मर्म को समझने वाला यहीं से वो समझने वाला हो जाता है तीसरे भाव के शनि जब होते हैं ना ये यहीं से समझदारी दे देते हैं कि अब मुझे क्या करना है कब मुझे वैराग्य धारण करना है कब मुझे दुनिया में समाना है कब मुझे दुनिया को छोड़ना है ऐसा चतुर्थ भाव में भी यही बात होती है मतलब कि कुल मिलाकर के ठीक नहीं होता चौथे के शनि के लिए अपने कुल देवता को भी मनाने की आवश्यकता होती है पितरों को मनाइए ब्राह्मणों का सत्कार करिए एकादशी वगैरह का व्रत आरंभ कर देना चाहिए अमोघ शिव कवच का पाठ करना चाहिए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए बरगद के वृक्ष में दूध अर्पित करना चाहिए चंद्रमा से पांचवें शनि अच्छे नहीं होते कई दक्षिण भारतीय ग्रंथों में भी चंद्रमा से पांचवें के शनि का नुकसान भी बताया गया है हालांकि इसे कई बार बहुत व्यापक कमजोरी में देखा जाता है कुछ मामले में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं देर से ही सही पर व्यक्ति के मेहनत का परिणाम मिल जाता है पर वस्तुतः आरंभ के जीवन में कष्ट बाद के जीवन में सुख देते हैं आरंभ के जीवन में व्यक्ति को समस्याएं मिलती हैं और वो हतप्रभ चिंतित और व्यथित होता है कि मुझे मेरे किए कराए का सब पानी फिर जाता है लेकिन बाद में चलकर के ये शनि आपको धन भी देते हैं आपको लाभ भी देते हैं रोजगार भी चलने लगता है बस आपको संयमित होकर के जीने की आवश्यकता होती है चंद्रमा से पंचम शनि बहुत अच्छे नहीं होते पर कुछ मामले में यहां भी व्यक्ति को यह गुण दे देते हैं कि वह भविष्य को समझने वाला होता है भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं वो उसको पता चल जाता है अगर चंद्रमा से पांच घर आगे शनि बैठे हैं तो इसको एक बात मैं और भी समझाना चाहूंगा यहां पर जब चंद्रमा से पांच घर आगे शनि होते हैं तो आपके किए किराए पे पानी फेरने का अर्थ है कि आपके बहुत सारे प्रेम संबंध कटुतापूर्ण हो जाते हैं और कई बार आपको वैरागी बनना ही पड़ता है यह जीवन इतना ज्यादा कई बार आरंभ में ही नुकसान देने लगता है दाम्पत्य में प्रेम में पति पत्नी में माता पिता के प्रेम में उनके वात्सल्य में और समाज का जो प्रतिष्ठा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता इस वजह से व्यक्ति विकल होकर के कई बार समाज से विरक्त होने की कोशिश में लग जाता है ऐसा घर से दूर रहना पड़े वन में जंगलों में पहाड़ों में नदी के किनारे तीर्थों के किनारे जाकर के अपना जीवन रहना पड़ता है और ऐसे गुजारना पड़ता है तो ये चंद्रमा से शनि का प्रभाव ऐसा होता है जो यहां भी आपको शिव जी की पूजा अगर हो सके तो भगवान सूर्य की उपासना अपने आप को और भी ज्यादा प्रबलतम रूप से रूप से अगर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को आत्मसंयमी बनाने की आवश्यकता होगी संयमित रहना होगा नहीं तो यह शनि कई बार कष्टप्रद ज्यादा हो जाते हैं और इसके साथ साथ यह कई बार संतति में दाम्पत्य में और पुत्र के सुख से भी व्यक्ति को वंचित करने की पूरी कोशिश करते हैं यहां पे अगर शनि और चंद्रमा का संबंध जैसे चंद्रमा भी 20 डिग्री के हो शनि भी 20 डिग्री के बन रहे हैं तो बहुत ही आ, ये कांटे की लड़ाई हो जाती है ऐसी अवस्था में और अगर पंचम भाव पे कहीं से भी मतलब या चंद्रमा अगर चंद्रमा से पांच घर आगे शनि बैठे हो और उस पर गुरु की दृष्टि ना जाती हो या शुक्र की दृष्टि ना जाती हो वहां पे उस भाव का अधिपति अगर नहीं बैठा हो तो और भी ज्यादा परेशानी मिलती है लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई शुभ ग्रह बैठा हो या देख रहा हो तो परेशानी की बात नहीं होती है चंद्रमा से छठवें के शनि कुछ ग्रंथों में अच्छे भी कहे गए हैं पर कुछ कुछ मामलों में यह आपको पेट का रोगी भी बनाता है पर, रुग्णता को छोड़ दें तो बाकी बहुत सारे मामले में यह आपको लाभ देता है धन से पराक्रम से सुख से और वैरागी से मतलब वैराग्य भी नहीं होने देता यहां पे पकड़ करके रखता है और अंतिम अंतिम तक व्यक्ति जो है वो जुझारू प्रवृत्ति को धारण करता है यहां वो थोड़े आलसी जरूर बनाते हैं पर व्यक्ति जब काम में रथ हो जाता है तो फिर वो पूरा उसको फिनिशिंग करके तब दम लेता है चंद्रमा से छठवें के शनि अच्छे होते हैं आठवें के शनि कष्टप्रद होते हैं सातवें के शनि अच्छे होते हैं चंद्रमा से सात घर आगे अगर बैठेंगे तो दाम्पत्य का सुख देते हैं कई बार थोड़ी बहुत परेशानी बनती है पर वो एक आम बात होती है बहुत खतरनाक नहीं होता या कष्ट बहुत ज्यादा नहीं होता पर चंद्रमा से सातवें घर के शनि व्यापार रोजगार मन मस्तिष्क बुद्धि धन ससुराल और ससुराल से मिलने वाला आदर सास ससुर के साथ बनने वाले संबंध पैतृक संपत्ति और चल अचल संपत्ति ये सब का सुख चंद्रमा से सातवें घर के शनि देते हैं और ये बहुत ज्यादा कष्टप्रद भी नहीं होते और मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे मामलों में जातक को लाभान्वित कर देते हैं अष्टम के शनि अच्छे कई बार थोड़े कमजोरी में जाते हैं ये कई बार जैसे ढैया का प्रभाव भी यहां पे कई बार देखने को मिलता है और दूसरी बात है कि वहां पे जातक को बाधाएं देते हैं नाभिका क्षेत्र परेशान करता है पेट परेशानी में जाता है और कई बार ये व्यक्ति को मानसिक रूप से असंतुलित करने का काम करते हैं विचार बहुत ज्यादा बने दिमाग में बहुत सारे ख्याल बनते हैं और वो एक विचार से स्वतंत्र होता ही नहीं है कि दूसरा उसके दिमाग दिमाग में तुरंत घर कर जाता है ऐसी भी बातें होती हैं आप लोगों को बहुत ही समझदारी से ये बात बताऊं तो चंद्रमा से आठवें के शनि गोचर में कई बार अच्छे परिणाम दे जाते हैं और यह ठीक यहां पे कई बार आपको मानसिक असंतुलन का शिकार भी बना देते हैं रोग व्याधि दे, दे देते हैं और जिससे व्यक्ति हमेशा ही जकड़ के रह जाता है पूर्व जन्म में सुख अंतिम जन्म में कष्ट दे देते हैं मतलब जीवन के अंतिम क्षेत्र में कष्ट दे देते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे देते हैं कार्यक्षेत्र में विलंब देने लगते हैं अगर मित्र की दृष्टि पड़ गई दशम स्थान पे या अपने से तीसरे भाव पे तब तो अच्छी बात है व्यक्ति को पराक्रम का संपूर्ण सुख दे देते हैं पर शनि जहां बैठे हैं वहां से तीन घर आगे अगर उनके शत्रु की राशि बन गई तब तो और भी अपच करा देते हैं बड़ी कष्ट देते हैं यह दुख स्वरूप है दुख देने का काम होता है और व्यक्ति को अपने जीवन में बताते हैं कि तुम्हें कितना बेहतर करना है और फल की चिंता भी नहीं करनी है अगर तुमने एक बार भी फल की चिंता कर ली तो मैं तुम्हारा सारा बट्टा काट लूंगा मतलब आपके जीवन में जब शनि आते हैं तो पहले से जो लोग आपके जीवन में बने हुए हैं जो आपका लाभ लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से आपको बरगल आकर के परेशान करना चाहते हैं या आपसे वो आपकी चाटुकारिता करना चाहते हैं या आपका किसी ना किसी तरीके से नुकसान भी पहुंचाना चाहते हो आपका लाभ लेना चाहते हो तो शनि सबसे पहले इनको हटाना चाहते हैं और आपको वास्तविक जीवन के वास्तविक जीवन का बोध कराना चाहते हैं तभी तो लोगों के जीवन में जब कभी भी ढैया साढ़े आती है महादशा आती है तो क्या कहते हैं अरे मत कहिए व्यापार चौपट हो गया तो ये नुकसान हो गया इनकी मृत्यु हो गई ये निकट चले गए ये शत्रु बन गए सब शत्रु बन रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो शनि आपको जीवन के वास्तविक मर्म को समझाना चाहते हैं ये मोक्ष के कारक भी होते हैं और व्यक्ति को बलवान बनाना चाहते हैं अपने पराक्रम के बल पे वो किसी के सहारे नहीं आगे बढ़ाना चाहते आपको अवलंबित नहीं करना चाहते और वस्तुता आपको ये कहते हैं कि जीवन में आपको यात्रा अकेले ही करनी है कोई संग में नहीं जाएगा इसी चीज का जब वो बोध कराते हैं और चूंकि मानव मन उस चीज को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता है इसी वजह से शनि की दशा को बुरा कह दिया जाता है पर वस्तुता ये बात नहीं है एक्चुअल में शनि ही सबसे वास्तविक ग्रह है जो जीवन के सच्चे मायने में पाठ पढ़ाने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं नमम भाव ठीक नहीं होता कुछ मामले में कमजोर भी होगा पर साहसी बनाए जिद्दी बनाए हठी बनाए भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर मिलता है मिला जुला असर मिलता है मतलब इतना ज्यादा कष्टप्रद नहीं होता पर फिर भी ठीक है क्योंकि त्रिकोण का भाव है और वहां पे अगर देखें तो अगर मित्र की राशि में उच्च की राशि में या फिर मित्र के संग या उस राशि के अधिपति के संग अगर बैठे रहेंगे या फिर यह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा से नौ घर आगे अगर शनि बैठे हो और उस भाव का अधिपति वही बैठा हो तो खराबी वाली बात नहीं है पर कुछ कुछ मामलों में जैसे भाग्य का सपोर्ट कमजोर मिले मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है वैराग्य का भाव यहां भी आता है व्यक्ति समाज से देने के बदले कुछ लेने की फिराक में रहने लगता है थोड़ा स्वार्थी भी होने लगता है दशम स्थान के शनि अच्छे होते हैं यह कार्य क्षेत्र में और बॉस के साथ संबंधों को अच्छा रखते हैं चंद्रमा से दशम स्थान के शनि लाभदायक होंगे ये कहीं से भी गिनने पे होगा मैं ये सब जगह के लिए बता रहा हूं कि चंद्रमा से दस घर आगे शनि बैठे हो तो ऐसा होगा एकादशमा ठीक नहीं होता यह बहुत कष्टप्रद होता है संतान के लिए दाम्पत्य के लिए माता पिता के प्रेम के लिए वैराग्य यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए आपके किए गए कृत्यों के परिणाम के लिए कष्टप्रद होता है मिल नहीं नहीं देते पीट पीट पर करके, पीट पीट के चौड़ा बना देते हैं हां नुकसान होता है बारहवें के शनि कुछ मामलों में परेशान पर यहां पे कई ग्रंथों में अच्छी बात लिखी गई है इसी वजह से मैंने इसे अच्छा कहा है पर वस्तुतः यह बहुत अच्छा नहीं होता यह लिखा है इस वजह से मैंने लिखा है पर चंद्रमा यहां और चंद्रमा के पीछे शनि मैंने ही अपनी कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में यह बात कही थी कि शनि से ठीक आगे अगर चंद्रमा बैठे हो और चंद्रमा के ठीक पीछे अगर शनि बैठे हो तो पूर्णतया लाभ 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 देते देते हैं हैं धन धन का मैंने यहां धन के के मामले में यह बात कही है क्योंकि धन को लेकर के अगर यह बात करेंगे तो यह संबंध अच्छा होता है पर ठीक पीछे शनि व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति के प्रभावों में कमजोरी देते हैं आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होता है पर बाकी का सारा पक्ष नुकसानदायक भी होता है वैसे चंद्रमा से ठीक बारहवें भाव के शनि व्यक्ति को मानसिक असंतुलन और रोगी भी बनाते हैं या रोग देने का काम करते हैं ऐसा आप लोगों को समझना चाहिए शनि एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी के लिए भी अन्याय नहीं करते वो हमेशा न्याय करते हैं वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो यम का दूत या स्वयं यमराज ही होता है वो सदैव व्यक्ति के जीवन से व्यक्ति को कहते हैं कि सीख करके चलते रहो बार बार एक ही गलती करोगे तो मैं तुम्हें कष्ट ही देता रहूंगा और तुम्हें तुम्हारा परिणाम अवश्य भोगवा करके ही छोड़ूंगा शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है इस काल में जितना ज्यादा हो सके सामान्यतया धार्मिक और मांगलिक कृत्य करना चाहिए धार्मिक कृत्य करना चाहिए दर्शन करिए मंदिर दर्शन करिए तीर्थ का स्नान करिए तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करिए तीर्थ प्रवास करिए आवास निवास ये सब करना चाहिए ऐसी स्थितियां शनि के काल को लाभान्वित करने वाली होती हैं इतनी सारी चीजें अभी और भी आगे बताऊंगा इन लोगों के संबंध बड़े अच्छे हैं और बहुत सारी बातें शनि के बारे में कही गई हैं जहां बहुत सारा जो पक्ष है वो नुकसानदायक ही बताया गया है लाभ का पक्ष थोड़ा कम बताया गया है लग्न का पक्ष दशम का पक्ष द्वादवें का पक्ष धन का पक्ष और अष्टम का पक्ष छठवें का पक्ष नवम का पक्ष थोड़ा कमजोर होता है और कुछ संतुलन मतलब उतना ज्यादा बढ़िया नहीं पर थोड़े थोड़े संतुलन के साथ परिणाम देते हैं बस यही बात है अब आइए गीताजी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं गीता जी के चौदाहवें अध्याय के छब्बीसवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति व्याभिचार से युक्त नहीं है अव्याभिचारी है वो मुझे अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं कार्यक्रम थोड़ा लंबा बन गया है उसे स्वीकार कर लीजिएगा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार